एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल केशर ट्यूटोरियल में। और इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 फार्माकोलॉजी का है, जनरल फार्माकोलॉजी, क्योंकि जनरल फार्माकोलॉजी बहुत बड़ा चैप्टर है, उससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो हम लोग करीब अब तक 150 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं 150 शुरू के 3 पार्ट्स पर। उससे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, उन्होंने मुझे पर्सनली मेल किया, मैसेज किया, व्हाट्सएप किया, उनका स्कोर बहुत अच्छा था। बस आप इसी तरह से पढ़ाई करते जाइए, अब 100% सिलेक्शन पाने वाले हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 4 की, जिसमें हम लोग जनरल फार्माकोलॉजी के अगले 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उठा लीजिए पेन और पेपर और लिखना शुरू कर दीजिए कि कौन से क्वेश्चन में आपने कितना आपका सही है, और आखिरी में स्कोर अपना कमेंट सेक्शन में डालिएगा कि कितना आपने सही किया। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। पहला क्वेश्चन नंबर है 51। इफ द डोज रिस्पॉन्स कर्व ऑफ अ ड्रग फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट एक्शंस आर वाइडली सेपरेटेड ऑन द डोज एक्सिस द ड्रग इज, अब आप बताइए क्या है कि कोई भी डोज ड्रग है जिसका डोज रिस्पॉन्स कर्व जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस वाले जो है वो वाइडली सेपरेटेड है, अलग अलग है डेटा एक्सिस पे, तो वो ड्रग कैसा होगा। आपके सामने ऑप्शन है, सारे ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आप लोग, मैं अगर ऑप्शन जल्दी बोलूँगा तो आप वीडियो पॉज करके आंसर दीजिएगा मेरे बोलने से पहले, और उसको नोट करिएगा अपने कॉपी में कितना आपने सही किया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, हाईली सेलेक्टिव। वो ड्रग क्या है, वो सबके अलग अलग एक्शन दे रहा है, इसका मतलब वो हाईली सेलेक्टिव है। 52। द थेरेपेटिक इंडेक्स ऑफ अ ड्रग इज मेजर्ड ऑफ इस, किसी भी ड्रग का थेरेपेटिक इंडेक्स क्या मेजर करता है। बहुत आसान है, आपने पढ़ा है इसके बारे में। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सेफ्टी। 153। इफ द ड्रग ऑफ इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ड्रग्स इज इक्वल टू द सम ऑफ दियर इंडिविजुअल इफेक्ट्स दिस इफेक्ट इज नोन एज, क्या कहते हैं भाई दो ड्रग्स के एक्शन को सम करने पर जो एक्शन आता है उसे क्या बोलते हैं। आसान है, पढ़ा है आपने। यस, दिस इज कॉल्ड बी सिनर्जिज्म। 154। द एंटागोनिज्म बिटवीन एड्रेनलिन एंड हिस्टामिन इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। क्यों इसको हम लोग फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म कहते हैं, एड्रेनलिन और हिस्टामिन के एक्शन को। चारों ऑप्शन है, आप एक बार देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड। यस, एक बार देख लीजिए, गुड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दे हैव अपोजिट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। क्यों, नाम से लग रहा है कि दोनों के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो अलग अलग होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक। 155। द ड्रग आर, कोई ड्रग आर है प्रोड्यूसिंग नो रिस्पॉन्स बाई इट सेल्फ कॉजेज द लॉन्ग डोज रिस्पॉन्स कर्व ऑफ द अनदर ड्रग एस टू शिफ्ट द राइट इन अ पैरेलल मैनर विदाउट डिक्रीजिंग द मैक्सिमल रिस्पॉन्स ड्रग आर इज ए, ठीक है। बताइए आर और एस का थोड़ी सी कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ लीजिए, दोबारा आपको समझ में आ जाएगा। बताइए आर एस क्या है, एस के कंपेरिजन में आर क्या है। यस, ऑप्शन नंबर 155। यस, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। ओके, 156। अ ड्रग विच डज नॉट प्रोड्यूस एनी एक्शन बाई इट सेल्फ बट डिक्रीजेज द स्लोप ऑफ द लॉन्ग डोज रिस्पॉन्स कर्व एंड सरप्रस द मैक्सिमल रिस्पॉन्स टू द अनदर ड्रग इज कॉल्ड, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लीजिए एक बार सारा, क्वेश्चन भी एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। सी इज नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। 157। अ ड्रग विच इज जनरली एडमिनिस्टर्ड इन सस्टेन डोजेज स्टैंडर्ड डोजेज विदाउट द नीड फॉर डोज इंडिविजुअलाइजेशन इज, कौन सा ऐसा डोज है, कौन सी ऐसी ड्रग है जिसकी बात की जा रही है। 157 इज बी, दिस इज कॉल्ड मेबेंडाजोल, ठीक है। 158। अ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन प्रिपरेशन मीन्ट फॉर इंटरनल यूज मस्ट नॉट कंटेन द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग, ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए सारे फ्रेंड्स। यस, ऑप्शन नंबर सी इज कार्टिकोस्टेरॉइड्स। 59। इंडिविजुअल वेरिएशंस इन इक्वी इफेक्टिव डोजेज ऑफ अ ड्रग आर मोस्ट मार्क्ड If it is disposed by, ठीक है, सारे ऑप्शन देख लीजिए। 159, ठीक है फ्रेंड। 159 ऑप्शन इज डी, हेपैटिक मेटाबॉलिज्म, ठीक है, आसान था। 160। द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ ड्रग इन द नियोनेट डिफर्स फ्रॉम दैट इन एडल्ट बिकॉज, क्यों ऐसा होता है कि जो दवाएं बच्चों में जो पैदा होते हैं नवजात, और बड़ों में उनका जो फार्माकोकाइनेटिक्स होता है वो अलग अलग होता है, मतलब हाफ लाइफ, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ऑनसेट ऑफ एक्शन, वो अलग अलग क्यों होता है। तो बहुत आसान ऐसा आंसर है, इसको आप सारे ऑप्शन देख लीजिए आप लोग फ्रेंड। जी, सही ऑप्शन है सी, ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आर नॉट वेल्ड, बच्चों में जो ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। 161। फार्माकोडायनामिक टॉलरेंस मे इन्वॉल्व चेंजेस इन ऑफ ड्रग रिसेप्टर, किसकी बात की जा रही है, ठीक है, टॉलरेंस की बात हो रही है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यस, ऑप्शन नंबर 161 डी इज करेक्ट, सभी, यहाँ पे नंबर, एफिनिटी, फ्रैक्शन सब कुछ होता है, ड्रग का चेंज होता है। 62। ड्रग मेटाबॉलिज्म कैन बी इंड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट, ड्रग मेटाबॉलिज्म में कौन सा फैक्टर इसमें से प्रभावित नहीं करता है उसकी बात आपको बता रही है। बहुत आसान है, मैंने आपको पढ़ाया है, आपने लेक्चर्स देखे होंगे, आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एक्यूट अल्कोहल इंजेक्शन, अल्कोहल इंजेक्शन पे ड्रग मेटाबॉलिज्म का कोई खास फैक्टर जो है वो इफेक्ट नहीं करता, ठीक है, एक्यूट अल्कोहल, मैं एक्यूट की बात कर रहा हूँ, क्रोनिक की बात नहीं हो रहा, ध्यान समझिएगा यहाँ पे। 63।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्लेसिबोज। प्लेसिबोज आप जानते हैं, क्या बताया था मैंने आपको, ऐसी दवाइयाँ जिसमें हम लोग सिर्फ एक्सीपिएंट हो, मेडिकामेंट ना हो, उसे एक प्लेसिबो कहते हैं। उसका क्या, इसके बारे में कौन सी चीज़ सही है? मैंने ऑलरेडी आपको ट्रिक दे ही दिया है, तो आप बता दीजिए, हिंट दे दिया है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द डमी मेडिकेशन। डमी मतलब होता है जो नकली है, इसमें कुछ भी एक्चुअल चीज़ ना हो, वो डमी होता है। 64, इन पेशेंट ऑफ हिपेटिक सिरोसिस, कोई पेशेंट अगर हिपेटिक सिरोसिस है उसके साथ कौन सी बात सही है? चारों ऑप्शन आप पढ़िए ध्यान से और बताइए। ठीक है, पढ़ लिया। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, डिस्पोजिशन ऑफ एटिनोलॉल इज़ नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। 160, ठीक है, 165 की बात करते हैं हम लोग फ्रेंड। एन अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ अ ड्रग दैट ऑकर्स एट थेरापेटिक डोज एंड कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज कॉल्ड। बहुत आसान है, बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, देख लीजिए। कुछ कन्फ्यूजन मुझे पता है, आपको दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन इसका पहला ऑप्शन सही है, दिस इज साइड इफेक्ट। 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप सेकेंड अनप्रेडिक्टेबल एडवर्स रिएक्शन। एडवर्स रिएक्शन पता है आपको चार प्रकार के होते हैं, टाइप सेकंड कौन सा होता है, किस रिएक्शन को, एडवर्स रिएक्शन को टाइप सेकंड बात करते हैं। 166, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, आइडियोसिंक्रेसी, है ना। इसमें क्या होता है पता है आपको, किसी भी किसी सिम्टम दिखते हैं, किसी में नहीं दिखते हैं, नॉन प्रेडिक्टेबल होते हैं। 167, अ टॉक्सिक इफेक्ट डिफर्स फ्रॉम ए साइड इफेक्ट, इज दैट। टॉक्सिक इफेक्ट और साइड इफेक्ट में मेन अंतर क्या है? चार ऑप्शन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, चारों अंतर आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इट इज मोर इंटेंस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देन ऑकर्स एट हाई डोज और अदर प्रोलॉन्ग्ड मेडिकेशन। 168, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू ड्रग टॉक्सिसिटी एंड पॉइजनिंग। ड्रग टॉक्सिसिटी और पॉइजनिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन सी बात बिल्कुल सही है? ऑप्शन पढ़िए सारे आप लोग फ्रेंड, ठीक है। यस, सेम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अ टॉक्सिक इफेक्ट विच इंडेंजर्स लाइफ बाय मार्केटली अफेक्टिंग वायरल वाइटल फंक्शन इज कॉल्ड पॉइजनिंग। 169, द मोस्ट वनरेबल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ फीटल माल फॉर्मेशन ड्रग इज ड्यू टू ड्रग इज, ठीक है, मतलब किस अवधि के समय जब बच्चा गर्भ में होता है माँ के, किस अवधि के समय उसके माल फॉर्मेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं किसी भी ड्रग के प्रभाव से, ठीक है। 69 के सारे ऑप्शन देख लीजिए। यस, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, फ्रॉम 18 डे टू 55 डे, 18 से 55 दिन के बीच के दौरान में बच्चे के अंदर टेराटोजेनिसिटी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। 170, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रूवन ह्यूमन टेराटोजेन, कौन सा ऐसा दवा है जो 100% टेराटोजेन होगा, यानी कि आपके अगर कोई बच्चा माँ के गर्भ में है तो उसको नुकसान पहुँचाएगा ही पहुँचाएगा, फिक्स है ये, कौन सी? यस, ऑप्शन नंबर बी, वरफायरिन सोडियम, बिकॉज इज द एंटी हिपैटिक ड्रग, है ना, ये आपको क्या है, ये एंटीकॉगुलेंट ड्रग है, क्या करेगा आपके ब्लड क्लॉगलेट को, ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा, इससे बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है। 71, सेलेक्ट द ड्रग विच हैज़ बीन फाउंड टू बी ए स्ट्रॉन्ग ह्यूमन टेराटोजेन, सबसे स्ट्रॉन्ग ह्यूमन टेराटोजेन कौन सा ड्रग है, इसमें देख लीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डायरी में नोट कर लेना, क्योंकि टेराटोजेन वाले ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे हिसाब से। बी, दिस इज कॉल्ड आइसोफ्रेटिनोइन, आइसोफ्रेटिनोइन। 72, ओरल रूट, ओरल रूट के बारे में कौन सी बात सबसे सही है, एकदम सही है, ऑप्शन देख लीजिए सारे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, शुड बी अवॉइडेड इन रिकॉम्बिनेंट पोजिशन, रिकॉम्बिनेंट पोजिशन के समय इसको अवॉइड करना चाहिए। इंट्रामस्कुलर रूट के बारे में कौन सी बात सबसे सही है, इसको देख लीजिए, ऑप्शन सारे बहुत अच्छे हैं। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कैन बी यूज टू इंजेक्ट माइल इरिटेंट, ठीक है, माइल इरिटेंट केस में इसको हम यूज कर सकते हैं। 74, एडवांटेज ऑफ सबलिंगुअल रूट इंक्लूड द फॉलोइंग, सबलिंगुअल रूट जब कहते हैं जो जीव के नीचे दवा को रखा जाता है, तो सबलिंगुअल रूट का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है फ्रेंड, आपको बताना है सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है, ठीक है, देख लीजिए। यस, ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ यूजफुल लेस इज यूनेस इज लिमिटेड टू ट्रीट लोकल कंडीशन, जो आपके थ्रोट के पास लोकल कंडीशन के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। 75, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में क्या जानते हैं आप, जानिए बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया, आपने अगर मेरी वीडियोज़ देखी इसको तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। यस, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, नेसेसरीज टू हाई ओरल डोज फॉर सर्टेन ड्रग्स, ठीक है, क्या होता है कि जो जितने भी हाई ओरल डोज वाले हो, इसी की वजह से हमको किसी भी ड्रग का जो ओरल डोज ज़्यादा देना पड़ता है, क्यों, क्योंकि उसमें से आधा ड्रग तो मेटाबोलाइज हो जाता है। 76, बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या बातें सही हैं आप इसको बताइए, बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म है, आपको पता होगा। 176, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, कैन बी अल्टर्ड बाय द ड्रग्स, ठीक है, किसी भी अलग अलग ड्रग का जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अलग हो सकता है और किसी के प्रभाव से दूसरे ड्रग का मेटाबॉलिज्म डिफरेंस हो सकता है। 77, एंट्री ऑफ अ ड्रग इन अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन इनहांस्ड इफ द ड्रग इज, ठीक है, CNS में कौन से किसी भी ड्रग का एंट्री बढ़ जाएगा कब, अगर आपको याद है मैंने बताया था वही ड्रग पास करेंगे जो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर सकते हैं,
और ब्लड ब्रेन बैरियर का नेचर जैसा होना चाहिए उसी हिसाब से ट्रक का नेचर भी होना चाहिए। मैंने आपको हिंट दे दिया, अब आप बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। यस, ऑप्शन नंबर बी, मोर लिपिड सॉल्युबल, जितनी ज़्यादा उसकी लाइपोफिलिक नेचर होगा उतना जल्दी वो क्रॉस करेगा हमारे CNS में। 78, काइनेटिक प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स इज, ठीक है, एलिमिनेशन किसी ड्रग के लार्ज नंबर ड्रग के लिए काइनेटिक प्रोसेस क्या है, किस ऑर्डर का होता है, आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इसको जरूर डायरी में लिखेगा, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, याद रखिएगा फर्स्ट ऑर्डर पर होता है काइनेटिक्स। 79, अ ड्रग इज सेड टू बी पोटेंट व्हेन, किसी भी ड्रग को हम पोटेंट कब से कब कहेंगे, किस केस में, क्या उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए पोटेंट कहलाने के लिए, सारे ऑप्शंस पढ़िए फ्रेंड। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, द अमाउंट नीडेड टू प्रोड्यूस अ सर्टेन रिस्पॉन्स इज लेस, यानी जो दवा कम से कम डोज में ज़्यादा से ज़्यादा असर करती है उसी को हम पोटेंट कहते हैं, उसकी पोटेंसी कहते हैं। 180, स्पेयर रिसेप्टर्स आर ऑफन फाउंड एमंग ड्रग्स दैट एलिसिट, स्पेयर रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, मैंने इसको बताया आपके बारे में, बेसिकली कहाँ होते हैं देख लीजिए, ऑप्शन सारे इसका सही है। यस, नंबर ए, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के केस में। 188, व्हाट इज द बेस्ट क्राइटेरिया फॉर जजिंग द थेरापेटिक सुपरियोरिटी ऑफ अ ड्रग ओवर इट्स कार्सिनोजन, कॉन्जीनर्स, ठीक है, अपने कॉन्जीनर के कंपेयर में, सॉरी गलत पढ़ने के लिए, कॉन्जीनर्स के कंपेयर में कौन सी चीज़ सबसे बेस्ट है इसके लिए ड्रग की। 181, बी इज करेक्ट, वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी। 182, PKa ऑफ ए कंपाउंड, किसी भी ड्रग का PKa एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब इसके द्वारा हमें किस चीज़ का पता लगता है PKa पता करने से, ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूँ, इसका इक्वेशन है हेंडरसन हेसनबर्ग इक्वेशन, है ना, उसमें अनायनाइज्ड अपॉन आयनाइज्ड ड्रग काम में होता है, अब तो आप बता ही सकते हैं, ठीक है, सारे ऑप्शन देख लिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इट इज़ द pH ऑफ सोल्यूशन ऑफ विच द कंपाउंड इज 50% आयनाइज। फार्माकोकाइनेटिक इज, कैसे डिफाइन करेंगे आप फार्माकोकाइनेटिक, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जल्दी बताइए ऑप्शन, सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दिस इज द स्टडी ऑफ ADME ब्रोस, ADME की स्टडी को तो फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं। 184, इन विच फॉर्म द ड्रग इज एब्जॉर्ब मोर रैपिडली, किस फॉर्म में ड्रग सबसे ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्ब होगा, मैंने आपको ये पढ़ाया है, बताते से बताया है कि जब बायोलॉजी में पढ़ा रहा था, ठीक है। 184, दिस इज द राइट आंसर इज इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में कोई भी ड्रग है तो वो जल्दी एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि हमारे गैस्ट्रिक मीडिया का जो नेचर है वो भी एक्वस होता है। एल्कोहल इज ए रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन, बिकॉज एल्कोहल इंटेस्टाइन से सबसे अच्छा एब्जॉर्ब होता है अदर देन स्टमक, ऐसा क्यों, ठीक है, तो 185 है फ्रेंड आपके सामने, और इसका सही जवाब आपने दे लिया होगा मेरे ख्याल से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इट इज़ लिपिड सॉल्युबल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। 186 की बात करते हैं फ्रेंड हम लोग, आफ्टर इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन IM इंजेक्शन द ड्रग कहाँ होता है, क्या तुरंत पहुँच जाता है ब्लड में, मैंने आपको बताया था कुछ ना, टिश्यू डिप्यूट वगैरह कुछ याद आ रहा है, चलो बताओ चारों ऑप्शन कौन सा सही है, आसान है। 186, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इन एक्वस सोल्यूशन आर मोर रैपिडली एब्जॉर्ब, ठीक है। 187, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग इज, इसको डेफिनेशन बताना है, तो बहुत बार पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया भी है मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, द परसेंटेज ऑफ ड्रग रिलीज फ्रॉम अ फार्मुलेशन दैट बिकम्स अवेलेबल फॉर द बायोलॉजिकल इफेक्ट। 88, द एब्जॉर्प्शन टाइम ऑफ अ ड्रग कैन बी रिड्यूस्ड बाई, किसी भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन टाइम हम कैसे घटा सकते हैं, यानी उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जल्दी शुरू होगा, अगर ड्रग का एब्जॉर्प्शन घटेगा तो असर जल्दी करेगा, बताइए कौन सा ड्रग का ऑप्शन सही है इसका, सारे देख लीजिए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मेकिंग अ मोर सोल्यूबल सॉल्ट फॉर ऑल, जितना ज़्यादा सोल्यूबल होगा उतना जल्दी वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। 189, रिडक्शन ऑफ हैवी मेटल्स टॉक्सिसिटी बाई डाइमर्केप्रोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है हैवी मेटल टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करना डाइमर्केप्रोल का। यस, 189, दिस इज ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन ऑप्शन नंबर है केमिकल एंटागोनिस्ट। 190, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्राइमरली स्टोर्ड इन द नेचुरल फैट एंड बॉडी ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी में नेचुरल फैट में जाके वो स्टोर हो जाता है, ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं, ठीक है। 190, द करेक्ट ऑप्शन इज बी, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। 191, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग इज टू रेंडर देम, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इज टू रेंडर देम। 191 ऑप्शन सही है, आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, लेस लिपिड सॉल्युबल। 192, द ड्रग मेटाबॉलिज्म ऑकर्स चीफली इन, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो बच्चे भी जानते हैं बॉस, इसको कौन नहीं बता सकता, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, लीवर में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 193, द रीनल एक्सक्रीशन द फैक्टर्स इंपॉर्टेंट्स आर, रीनल एक्सक्रीशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, किडनी से किसी भी चीज़ का एक्सक्रीशन हो रहा है तो किसका फैक्टर है, किस पे प्रभावित करता है, जी सही हैं आप, डी, सारे ऑप्शन सही है इसके, कन्फ्यूज मत होइए। इफ़ ट्यूबुलर यूरिन इज मेड मोर एसिड,
अगर हमारे यूरिन से जो एसिड यूरिन निकल रहा है वो ज़्यादा एसिडिक है, इसका मतलब क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है? यस, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, एक्सक्रीशन ऑफ वीक एसिड इज रिड्यूस, वीक एसिड का एक्सक्रीशन जो है रिड्यूस हो चुका है। 95, स्टिमुलेशन साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टू ड्रग्स में, दो ड्रग अगर हम दे रहे हैं तो इसमें से अगर एक साथ दे रहे हैं तो उसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है? ठीक है, बहुत आसान है, सारे ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी, प्रोड्यूस एनी ऑफ एबव फिनोम, ठीक है, ठीक है। 196, द एडवांटेज ऑफ बायो एसे ओवर केमिकल एसे इनक्लूड, ठीक है, आपने पढ़ा है बायो एसे, तो बायो एसे का एडवांटेज केमिकल एसे से ज़्यादा अच्छा क्यों है? भाई बायो एसे का मतलब है किसी भी ड्रग की स्टडी, उसके पोटेंसी की स्टडी हम किसी एनिमल बॉडी में कर रहे हैं, और केमिकल एसे का मतलब है उसको लैब में कर रहे हैं, ठीक है। तो बताइए कौन सा चीज़ है सही है, एडवांटेज क्या है? 196, सारे ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इट इज़ चीपर, सस्ते होते हैं, लैब में काम करना सस्ता है भाई, एनिमल को मारोगे उसको हद करोगे वो महंगा है थोड़ा सा। 197, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के उपस्थिति में, कौन सी बात सही है, आप देख लीजिए सारे ऑप्शन। यस फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दिस इज द मैक्सिमम कैन बी अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन एक्टिविटी। 198, द रिसेप्टर कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय, सबसे पहले रिसेप्टर के बारे में किसने बताया था, ये भी डायरी में जरूर लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ये नंबर वन जे एन लॉन्गली ने 1878 में बताया था, 1878। 199, ट्रू टॉलरेंस डेवलप्स बिकॉज ऑफ, टॉलरेंस तो पढ़ा है मैंने आपको याद होगा, टॉलरेंस डेवलप कैसे होता है बताइए, क्यों होता है? ऑप्शन नंबर डी, इसमें से किसी कारण से नहीं होता। 200, द टू ड्रग्स बाइंडिंग टू द सेम रिसेप्टर इज, कोई भी दो ड्रग अगर सेम रिसेप्टर से बाइंड कर रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं? जी, दे आर द कंपटिटिव एंटागोनिज्म, ठीक है, तभी वो एक दूसरे से बाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच, ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और ये स्टूडेंट हैं हमारे पंकज कुमार, जो कि हमारे हेल्पिंग असिस्टेंट भी हैं, वो काम काफ़ी हेल्प करते हैं, इन्होंने ये क्वेश्चंस प्रिपेयर किया है, और थैंक यू सो मच पंकज जी के लिए। फिर हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आपसे मिलेंगे, फिर बात करेंगे आपसे कुछ और क्वेश्चंस पे। आप तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, कितने नंबर आपके सही हुए, कितने जवाब आपने सही दिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, बाय बाय।